हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर समाप्त कर लिया है, खत्म कर लिया है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों उस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस को। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों वहां पर। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन, इस पर बेसिस हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों एक एक करके ध्यान से। वैसे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अच्छे। अब हम और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अगर इसकी रिएक्शन मैंने NH2OH के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई और साथ में मैंने क्या ले लिया बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं बच्चों, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों, अब हम समझते हैं एक एक करके ध्यान से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे देखते हैं बच्चों। बाय मैकेनिज्म ही हम लोगों को चलना चाहिए बच्चों, बाय मैकेनिज्म अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम अमाउंट में आपको सही क्वेश्चन, सही अप्रोच पर आप लोग पहुंच पाओगे। देखो जैसे NH2OH के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा बच्चों, ये आपका कीटो ऑक्सिन बनाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर क्या बनाएगा बच्चों, ये आपका कीटो ऑक्सिन, ठीक है। यहाँ पर लोन पर ये आपका क्या बना लिया इसने, कीटो ऑक्सिन, ठीक है। अब कीटो ऑक्साइन की रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ करा दिया तो क्या होगा बच्चों, H2SO4 के साथ करा दिया तो माइग्रेट आपका कौन सा ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप आपका माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ग्रुप आपका माइग्रेट होगा, यहाँ पर तो बच्चों आपका हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप ये वाला ग्रुप भी माइग्रेट करोगे तो ये वाला ग्रुप भी आपका माइग्रेट होगा, क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद आपका फिनाइल रिंग आ रहा है, तो ये वाला ग्रुप आपका माइग्रेट हो जाएगा। मतलब फिनाइल रिंग की माइग्रेटिंग ग्रुप एम्पलीट्यूड आपका ज्यादा होता है, तो ये वाला ग्रुप माइग्रेट होगा। और जहां ग्रुप माइग्रेट होता है वहां हम क्या लगा देते हैं बच्चों, वहां हम NH को लगा दिया करते हैं और वहां हमने इस तरीके से कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर हम अब इस रिएक्शन को सोल्व करते हैं तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो माइग्रेशन यहां से भी करेंगे, यहां से भी करेंगे, यहां से करेंगे तो माइनर प्रोडक्ट और यहां से करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर हमने रिएक्शन कराया तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा अगर अमाइन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर अमाइन को बना देता है NH2, मतलब अमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको किसको प्रिपेयर कर देगा बच्चों, अमाइन को। तो यहाँ पर ये आप किसको बना लेगा बच्चों, अमाइन को बनाएगा, मतलब सी डबल बॉन्ड वो आपका कंप्लीटली चला जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। इसी का एक और बन जाएगा बच्चों, कौन सा प्रोडक्ट, इसी का एक और ये वाला भी प्रोडक्ट बन सकता है जो कि आपका माइनर क्वांटिटी में बनेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से माइग्रेट करेंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा और यहां पर नाइट्रोजन आएगा। आई होप सो कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एक एक करके। देखो यहां पर आपका देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हेक्स 3 इनाइल, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, इसकी रिएक्शन आप बच्चों आपको करानी है NaNH2 और PBr के प्रेजेंस में, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आपको PBr3 के साथ करानी है। सबसे पहले समझना NaNH2 यहां पर मैं ले लेता हूं बच्चों, यहां पर इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया और रिएक्शन मैंने PBr3 के साथ करा दिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आगे मुझे किसके साथ करानी है, Mg ईथर के साथ CO2, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, आपका क्या हो गया बच्चों CO2, थर्ड आपका क्या कराना बच्चों इसमें हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। यहां से आपको क्या मिलेगा, J कंपाउंड मिलेगा जो कि आपका इसमें कन्वर्ट होगा L में, ठीक है। अब L को आपको, L आपका यहां पर ध्यान से समझना,
हाँ, एल की एल का रिएक्शन अगर मैंने PDBaSO4 के साथ कराया, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है बच्चों, CH3, और यहाँ पर इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से एक, ठीक है, ये आपका कंपाउंड बनता है बच्चों, ठीक है। काफी इजी का क्वेश्चन है, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से नहीं, यहाँ पर ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम ध्यान से समझते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग डील करेंगे। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखना चाहेंगे तो कैसे होगा बच्चों, हेक्स 3-इनाइल, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, छह कार्बन, छठे पे आपको क्या लगाना है बच्चों, छठे पे आपको लगाना है बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप, अल है ना, तो एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, और तीसरे तीसरे कार्बन पे आपको क्या लगाना है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे कार्बन पे आपको क्या लगाना है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, ठीक है, और यहाँ पर आपका CH2। देखो अब सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पर आपका CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH2CH2OH बन जाएगा, ठीक है। अब PBr3 के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये हमने हाइड्रोकार्बन या ये हमने एल्काइल हैलाइड में पढ़ा है बच्चों, तो PBr3 के प्रेजेंस में जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर CH2CH2 ये आपका Br बन जाएगा। नाउ अब इसकी रिएक्शन मैंने अगर Mg ईथर के साथ करा दिया, किसके साथ करा दिया बच्चों, Mg ईथर के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH2CH2 और यहाँ पर MgBr। नाउ अब आपका MgBr बन चुका है, MgBr जैसे ही आपका CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पर जो माइनस चार्ज है वो इस पर न्यूक्लियोफाइलिक अटैक करेगा और ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कंपाउंड बनेगा बच्चों, इसके बारे में आपको एल के बारे में बताना है, ठीक है। अब एल की रिएक्शन आपको PDBaSO4 के साथ कराना है, ठीक है, PDBaSO4 के साथ रिएक्शन कराना है एल की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा कंपाउंड, देखो बच्चों यहाँ पर आपका CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C, यहाँ पर आपका इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CO OH, जब मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, अब के आपका क्या होगा जो आपका PDBaSO4 के साथ रिएक्शन करेगा, अब ध्यान से समझना, PDBaSO4 एक टाइप का आपका रोजेनमुंड रिएक्शन होता है, रोजेनमुंड रिएक्शन होता है, PDBaSO4 बच्चों एक टाइप का आपका क्या होता है बच्चों, रोजेनमुंड रिडक्शन होता है। अब रोजेनमुंड रिडक्शन आपका किसके किसका होता है, केवल और केवल RCOCl का होता है, RCOCl को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, COH में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप में, ध्यान रखना। तो जैसे ही अगर मैंने इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराया तो ये OH ग्रुप आपका एलिमिनेट होगा और यहां पर क्या बना लेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 COCl। अब यहां तक आपका प्रोडक्ट आ चुका है, ये आपका क्या था बच्चों, ये आपका यहां से यहां तक ये आपका J प्रोडक्ट था, J के बाद आपका L आ चुका है और ये SOCl2 आपका क्या है बच्चों, K, और इसके प्रेजेंस में ना होके PCl3 के प्रेजेंस में भी सेम रिएक्शन होता है और PCl5 में भी आपका सेम रिएक्शन होता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, SOCl2 और PCl5, के आपका क्या हो सकता है बच्चों, SOCl2 और PCl5। नाउ अगर मैंने अब इसका रिडक्शन करा दिया किसमें, PDBaSO4, PDBaSO4 मतलब रोजेनमुंड रिडक्शन, PDBaSO4 का मतलब क्या होता है बच्चों, आपका रोजेनमुंड रिडक्शन। अब यहां पर आपका रोजेनमुंड रिडक्शन होगा तो यहां पर ये जो असाइल ग्रुप है मतलब एल्का, यहां पर हैलाइड एसिड हैलाइड ग्रुप, वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C
CH2 OH में नाउ अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट देख लो बच्चों CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 और यहाँ पर COH ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको इस रिएक्शन को अप्रोच करना है। काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इस रिएक्शन को अप्रोच करना है बच्चों। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है देखते बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है उसको समझते हैं एक एक करके ध्यान से। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम यहां पर समझते हैं। देखो एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए C3H6O आपका क्या क्या देगा बच्चों, पॉजिटिव टोलन टेस्ट देगा, पॉजिटिव टोलन टेस्ट देगा और आपका प्रोडक्ट बना लेगा यहां पर। ये आपका कोई मॉलिक्यूलर है, ये आपका ए ठीक है, और यहां पर आपका PHCH OH- और बेसिक मीडिया में इसको गर्म करना है और आपका बी प्रोडक्ट बनेगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टोलन टेस्ट आपका कौन कौन देगा, टोलन टेस्ट आपका एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा। टोलन टेस्ट आपका कौन देता है, RCHO देगा या फिर आपका ARCHO देगा। अब सबसे पहले बात है कि तीन कार्बन में तो कोई आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा नहीं, तीन कार्बन में आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा नहीं। अब हम इसका DOU निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन समझना किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूं मैं। C3H6O अगर मैंने इसका DOU निकाला तो DOU कितना आएगा बच्चों, देखो तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए एल्केन कौन सा होता है, एल्केन में कितने हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, 8 हाइड्रोजन और यहां पर ऑब्वियसली कितने 6 है डिवाइड बाय 2, तो इसका DOU 1, इसका DOU कितना आएगा 1 आएगा। और यहां पर ध्यान रखना एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा नहीं, तो यहां पर CH3 CH2 COH ये आपका क्या बन गया बच्चों, ये आपका यहां पर C3H6 कंपाउंड बन गया विद 1 DOU पाइप, यहां पर पाई बॉन्ड है इसका मतलब एक DOU। अब यहां पर जैसे ही टोलन टेस्ट में रिएक्शन होता है तो आपका क्या बनता है बच्चों, टोलन टेस्ट के टोलन आपका रिएजेंट के साथ जब भी मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मैंने आपको बताया था इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो यहां पर CH3 CH2 COOH बनेगा ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अगर मैंने इसकी रिएक्शन PHCOH के साथ करा दिया तो अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना बेसिक मीडिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों यहां पर आपका कौन सा रिएक्शन है, देखो ये आपका यहां चला जाएगा, ये आपका यहां चला जाएगा, जैसे ही आपका आपका यहां चला जाएगा तो यहां पर CH3 CH यहां पर आपका क्या बनेगा, इनोलेट आयन, यहां पर आपका क्या बनेगा, पहले आप लोग वो इनोलेट आयन बना लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, CH- C डबल बॉन्ड OH। अब ये आपका कहां अटैक करेगा, इस पॉइंट पर और ये ऊपर जाएगा, तो देखो जहां अटैक करेगा उसको पहले लिख लो, देखो PHCHO- यहां पर क्या जाएगा बच्चों, CH CH3 COH। नाउ अब मैंने इसका H2O के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या बन जाएगा बच्चों, PHCOH CH CH3 COH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फर्दर अगर मैं इसको हीट करूंगा तो आपका कौन क्या आपका एलिमिनेट होगा बच्चों, यहां से H2O आपका एलिमिनेट होगा तो यहां पर क्या बनेगा, PC यहां पर OH यहां से H, तो डबल बॉन्ड CCH3 यहां पर H यहां पर COH। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको पता है बच्चों, ये रिएक्शन देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। थोड़ा सा नाम भी आप लोग ध्यान रखो, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा बच्चों, बी प्रोडक्ट। थोड़ा सा ध्यान देना, पॉजिटिव टोलन टेस्ट आपका एल्डिहाइड ही देता है,
जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, तो पॉजिटिव टोलरेंट टेस्ट आपका कौन देगा? एल्डिहाइड देगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एक एक करके ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहां पर इस तरीके से मैंने रिएक्शन लिख दिया, ये देखो OH, OH की रिएक्शन अगर मैंने CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH रिएक्शन कराया, यहां पर एक प्रोडक्ट बना, उसकी रिएक्शन मैंने HCN के साथ कराया, फिर आपका प्रोडक्ट बना, फिर मैंने रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस कराया, तो आपका क्या प्रोडक्ट बना ये आपको बताना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों एक एक क्वेश्चन को, सॉल्यूशन ध्यान से समझना। ये दोनों आपका क्या होगा, यहां से यहां तक स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट आपका क्या होगा उसको आपको समझना है। स्टेप फर्स्ट बेटा आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका रायमर-टीमान रिएक्शन है। कौन सा बच्चों? रायमर-टीमान रिएक्शन है, रायमर-टीमान रिएक्शन है। अब देखो रायमर-टीमान रिएक्शन होगा तो रायमर-टीमान रिएक्शन में आपका किसका प्रिपरेशन होता था बच्चों? सैलिसिलाइड का। किसका प्रिपरेशन होता था? सैलिसिलाइड का, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, काफी इजी रिएक्शन है। अब देखो CHCl3, अब यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां पर इंटरमीडिएट कौन होता है? CCl2 कार्बीन। ध्यान से समझ लेना बच्चों इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। यहां पर इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों? CCl2 कार्बीन। अब देखो इसकी रिएक्शन अगर मैंने कराया तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने HCN के साथ कराया तो CN- न्यूक्लियोफाइल यहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा, जो कि मैंने साइनोहाइड्रिन बनाने के प्रिपरेशन में आपको बताया था। देखो यहां पर इस तरीके से, यहां पर OH, यहां पर COH, यहां पर CN, ठीक है। अब यहां पर आपका H कंपाउंड रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही मैंने अगर हाइड्रोलाइसिस कराया तो CN ग्रुप आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। तो यहां पर आपका कैसा कंपाउंड बनेगा बच्चों? यहां पर आपका बनेगा ये आपका OH, ये आपका COOH। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, काफी इजी रिएक्शन है, काफी इजी रिएक्शन है, अगर एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें हम समझते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पर मैंने क्या ले लिया बच्चों? टोलुइन। अगर मैंने टोलुइन की रिएक्शन केमेनो-4 के साथ करा दिया, ठीक है, केमेनो-4 के साथ करवा दिया, यहां पर एक प्रोडक्ट बनेगा। देन आफ्टर इसकी रिएक्शन मैंने SOCl2 के साथ करा दिया, देन आफ्टर मैंने यहां पर क्या लगा दिया? H2PdBaSO4। फिर आपको समझ में आ गया होगा H2PdBaSO4 क्या है बच्चों? रोजेनमोल्ड। कौन सा रिएक्शन है? रोजेनमोल्ड, ठीक है, रिडक्शन होगा। अब ध्यान से समझना बच्चों, PdBaSO4 रोजेनमोल्ड और CaCO3 आपका लिंडलार, ये मैंने आपको बताया था, ये आपका रोजेनमोल्ड तो वो आपका क्या होता है बच्चों? लिंडलार, जो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में एक बार बता चुका हूं। अब देखो यहां पर जो फर्स्ट स्टेप है, सॉल्यूशन समझते हैं। अब देखो फर्स्ट स्टेप में केमेनो-4, अब केमेनो-4 को क्या होगा? केमेनो-4 आपका साइड चेन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? COH में। देखो ध्यान से, अगर बच्चों ये देखो ध्यान से, यही पर मैं आपको बताता हूं एक और बार, ताकि आपको हमेशा के लिए ध्यान हो जाए। ये H, इसको भी आपको यहां पर मैंने CH3 लिखा, यहां पर मैंने CH3 लिखा, इससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर CH ग्रुप होगा तो ये आपको COOH में। देखो यहां पर भी मैंने CH2 CH3 लिख दिया, तो ये साइड चेन के टर्मिनल वाले से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कि केवल इटार्ड में पड़ता था, लेकिन यहां पर CH है तो यहां पर भी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? बेंजोइक एसिड में, ठीक है। अगर यहां पर ऑब्वियसली CH3 होगा तो इसको भी ये आपका किस में कन्वर्ट कर देगा? बेंजोइक एसिड में। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना बच्चों, जो कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूं बेंजोइक एसिड में, ठीक है। तो जब भी आपका केमेनो-4 होगा वो क्या करेगा बच्चों? जस्ट बगल वाले को आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, इसको तो नहीं कर पाएगा। नाउ अब रिएक्शन में मैंने SOCl2 लिखा है,
अब देखो इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो चल जाएगा बच्चों, आई होप तो कि आपको समझ में आ जाएगा। अब OH ग्रुप हटेगा तो वहां पर कौन आ जाएगा बच्चों, Cl। OH ग्रुप हटेगा तो वहां पर कौन आ जाएगा बच्चों, Cl, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ध्यान रखना कभी भी आपका OH ग्रुप होगा तो वहां हटा के आपको Cl लगाना है, ठीक है। नाउ इसकी रिएक्शन अगर आपने PDBaSO4 के साथ करा दिया तो आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड। काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, ये आपका क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो देखते बच्चों एक एक करके कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते बच्चों अब हम ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है बच्चों, देखते हैं अब एक एक करके। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है बच्चों, देखो इसकी रिएक्शन यहां पर, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने ZnH2O, हाँ जी ZnH2O मतलब ओजोनोलाइसिस करा दिया, ठीक है। नाउ अब मैंने इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराया, ठीक है। देन फर्दर मैंने NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस कराया, तो अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका रिएक्शन है। काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ओजोनोलाइसिस स्टेप का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपका टूटेगा, ये आपका टूटेगा, तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका COH और यहां पर आपका COH बन जाएगा। ओजोनोलाइसिस स्टेप कर दिया हमने, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैंने इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराया तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपका दो Cl ग्रुप लग जाएंगे, दो Cl ग्रुप लग जाएंगे, और यहां पर आपका H होगा, यहां पर भी आपका दो Cl ग्रुप। मैंने आपको बता रखा है बच्चों PCl5 के साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है, अच्छे से समझाया था बच्चों। अब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ, बच्चों मैंने एल्डिहाइड की रिएक्शन PCl5 के साथ आपको बता रखा है। अब NaOH के प्रेजेंस में इसका एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो सारे Cl आपका रिप्लेस हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, OH के अंदर, OH के अंदर, यहां पर भी OH के अंदर और यहां पर भी OH के अंदर। देन फर्दर ये आपका अनस्टेबल होता है तो यहां से H2O मॉलिक्यूल निकलेंगे, कितने मोल निकलेंगे बच्चों, 2 मोल H2O मॉलिक्यूल निकलेंगे। जब यहां से आपका 2 मोल H2O मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों एक एक करके ध्यान से। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार कोशिश भी करिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोलता है ओजोनोलाइसिस ZnH2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है और यहां पर मैंने OH के प्रेजेंस में हीट करके इस तरीके का प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा बोला है बच्चों इसने, और काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तो ये आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बना दिया है, ठीक है। अब यहां पर आपका ये इस तरीके से, अब देखो ये आपका प्रोडक्ट बना दिया। अब थोड़ा इस पर गौर करेंगे तो OH माइनस आपका यहां पर, ध्यान से समझो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट आपका कहां बनता था, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट आपका कहां बनता था बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, ठीक है। अब आपको ये वाला प्रोडक्ट बताना है ए, तो सॉल्यूशन समझेंगे तो ये आपका रेट्रो एल्डोल होगा, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन का जस्ट उल्टा हम यहां से अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, रेट्रो एल्डोल। तो सबसे पहले OH माइनस को हम कहां अटैक करेंगे, यहां अटैक करेंगे, ये बॉन्ड यहां खुलेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, मैंने आपको रेट्रो एल्डोल बताया था बच्चों, तो यहां पर आपका OH। अब कुछ बच्चे बच्चों रेट्रो एल्डोल में क्या कर रहे होंगे, कुछ बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इजी तरीका अप्लाई कर रहे होंगे, ध्यान से समझना बच्चों, कुछ बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इजी तरीका अप्लाई कर रहे होंगे कि सीधा यहां पर कीटोन बना दिया करते होंगे, ठीक है, सीधा यहां पर कीटोन बना दिया करते होंगे, या फिर वो फॉरवर्ड प्रोसेस को करते होंगे यूज। वैसे प्रोसेस को आपको यूज नहीं करना, आपको बैकवर्ड को एक बार कोशिश करो, आपको आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड यहां जाएगा और यहां से एच निकलेगा, तो देखो यहां पर क्या बनेगा बच्चों,
यहां पर आपका ये जो H निकलेगा वो कहां चला जाएगा, इसके साथ ये वाला बॉन्ड आपका बाहर खुलेगा, सॉरी ये वाला बॉन्ड आपका बाहर खुलेगा और ये H आपका इसके साथ चला जाएगा और यहां पर आपका क्या बन जाएगा, डाइकीटोन कंपाउंड। इसी का तो आपने रेट्रो एल्डोल कराया था बच्चों, इसी का तो आपने एल्डोल कंडेंसेशन कराया, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट मिला और ये आपका खुल जाता है बॉन्ड। ठीक है, अब आप लोग क्या बोलोगे कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसमें बच्चों यहां पर ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो टर्मिनल पोजीशन होगा, और ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन है, कीटोन होगा तो टर्मिनल पोजीशन नहीं होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 किसके ओजोनोलाइसिस से आपका ये वाला प्रोडक्ट बना। देखो मैं यहाँ पर 6 कार्बन के रिंग बनाता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के बना दिया। अब देखो फर्स्ट कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन पे अगर मैंने ऐसा कर दिया, देखो इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर एल्डिहाइड अपने आप आ जाएगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 4 कार्बन पे अगर मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर, तो देखो बच्चों इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर कीटोन, यहाँ पर एल्डिहाइड। नाउ अब हम इसका रेट्रो एल्डोल कराएंगे तो हमें सोल्व हो जाएगा, तो मतलब ए प्रोडक्ट आपका क्या होगा बच्चों, ये होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। एक दो बार अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने डील करना सीख लिया तो आपको काफी क्वेश्चन को सोल्व करने में इजी मिलेगा। नाउ अब हम चलते हैं एक वो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में, देखते बच्चों क्वेश्चन। अ कंपाउंड ए विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C10H13Cl gives a white PPT, ठीक है, on adding सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। नाउ ए ऑन रिएक्टिंग क्या होगा, विद अल्कोहलिक KOH गिव्स कंपाउंड बी। ठीक है, एज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बी ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स कंपाउंड CND। बहुत सी, अब सी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, सी गिव्स कैनिजारो रिएक्शन एंड डी गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये आपको दिया हुआ है, देखो अब सबसे पहले इसमें आपका ऑप्शन है फर्स्ट CH3 CH2 CH2 CH CH3, यहां पर Cl लगा दिया। सेकंड यहां पर आपका, देखो यहां पर आपका CH2 Cl लगा दिया, यहां पर CH2 CH3 CH3, यहां पर CH2। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, यहां पर आपका क्या है बच्चों, PH CH2 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 Cl लगा दिया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ आप हम देख लेते ध्यान से, PH CH2 CCl CH3 CH3, ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते बच्चों, काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को डील करते, देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा कुछ दिया हुआ है, गिव्स अ वाइट पीपीटी। अब देखो यहां पर अगर मैंने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर AgCl बन जाएगा वाइट पीपीटी, यहां पर भी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर भी AgCl, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है ना बच्चों,
तो यहाँ पर भी AgCl, अब यहाँ पर भी मैंने AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पर आई होप सो कि AgCl बन जाएगा, काफी इजी रिएक्शन है। यहाँ पर भी AgCl का वाइट PPT बनेगा, यहाँ पर भी मैंने AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया तो AgCl का वाइट PPT बनेगा। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए ऑन रिएक्टिंग विद एल्कोहोलिक KOH, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने एल्कोहोलिक KOH के साथ करा दिया तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, एल्कोहोलिक KOH के साथ, तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन, देखो CH2 CH2, इसकी रिएक्शन अगर मैंने एल्कोहोलिक KOH के साथ कराया तो यहां पर फर्स्ट से आपको क्या मिलेगा बच्चों, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, फर्स्ट से आपको एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर, सेकंड में एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता बच्चों, यहां पर आपका डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर आप डबल बॉन्ड लेके भी आ गए बच्चों तो यहां पर डबल बॉन्ड कैसे आएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझो। थर्ड में आपका क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर पीएच, ठीक है, पीएच CH2 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 CH2, अब इसका एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरीके का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में यहां पर CH आ जाएगा, इस तरीके का आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब हम समझते हैं थर्ड में यहां पर फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या होगा बच्चों, देखो पीएच सीएच टू, अगर इसकी रिएक्शन मैंने एल्कोहलिक KOH के साथ कराया तो यहां पर ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, यहां पर ये आपका बन जाएगा। अब आपको क्या बोला है कि ओजोनोलाइसिस कराने पर एक आपका एल्डोल प्रोडक्ट बनाता है, एक आपका केनिजारो देगा। देखो थर्ड में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, सीएल यहां पर है तो आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन अगर आप रीअरेंज करोगे तो यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड बना दिया, देखो ठीक है, एक प्रोडक्ट आपका केनिजारो बना रहा है, एक आपका एल्डोल बनाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैंने इसका ओजोनोलाइसिस करा दिया तो ये आपका एल्डोल देगा, ये भी आपका एल्डोल देगा, तो ये आपका प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ पर तो होगा ही नहीं। अब इसका ध्यान से देखिए तो ये आपका प्रोडक्ट क्या देगा बच्चों, एक आपका क्या देगा, यहां पर पीएच सीओएच बन जाएगा और यहां पर सीओ सीएच थ्री बन जाएगा कीटोन, मतलब एक आपका एल्डोल देगा, एक आपका केनिजारो देगा, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो यहां पर क्या होगा बच्चों, पीएच सीएच टू सीएच टू सीएच, यहां पर ओ बन जाएगा एल्डिहाइड, यहां पर भी आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अब ध्यान से देखो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर ये वाला प्रोडक्ट आपका एल्डोल दे सकता है लेकिन ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या देगा, केनिजारो। अब यहां पर थर्ड और फोर्थ में हम चॉइस कैसे करेंगे, ये 1 डिग्री एल्डिहाइड है, 1 डिग्री है वो हैलाइड है, और 1 डिग्री हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों, लेस होती है, तो रिएक्टिविटी लेस होने की वजह से हमको चॉइस में क्या लेना पड़ेगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। वैसे आपका फोर्थ और थर्ड दोनों आपको रिएक्शन को देगा, अगर मल्टीपल चॉइस होगा तो फोर्थ और थर्ड दोनों आपके रिएक्शन को देगा। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन साइक्लोहेक्सीन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते बच्चों। अब हम साइक्लोहेक्सीन ऑन ट्रीटमेंट विद O3 फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड H2O, वेरी गुड, काफी अच्छा क्वेश्चन है, गिव्स कंपाउंड ई, मतलब कौन सा कंपाउंड देगा बच्चों, गिव्स कंपाउंड ई देगा, ठीक है, द कंपाउंड ई
द कंपाउंड ई ऑन फर्दर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH एक्वस KOH गिव्स कंपाउंड डी गिव्स कंपाउंड एफ सॉरी गिव्स कंपाउंड एफ ठीक है द कंपाउंड एफ इज द कंपाउंड एफ इज द कंपाउंड एफ इज। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, इसमें काफी इजी क्वेश्चन है, एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखते सबसे पहले सॉल्यूशन समझते हैं बच्चों इसका। अगर मैंने साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन करा दिया किसके साथ, O3ZnH2O के साथ, जैसे ही मैंने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर आपका इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ZnH2O दे देखो ना, फॉलोड बाय जिंक डस्ट। अब कंपाउंड ई दिया, कंपाउंड ई आपका फर्दर ट्रीटमेंट किसके साथ कर रहा है, एक्वस KOH के साथ। अब देखो कंपाउंड ई आपका फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH, ठीक है। एक्वस KOH का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल रिएक्शन में आप लोग जानते हो बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन अगर इस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा तो ये वाला यहां अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 5 फाइव मेंबर की रिंग बन जाएगी बच्चों। कितने मेंबर की, फाइव मेंबर की। और यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा तो यहां पर आपका ओ माइनस और यहां पर आपका इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, ये आपका बाहर निकल जाएगा। नाउ अब क्या होगा बच्चों, यहां पर H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, कंपाउंड आपका कंपाउंड यहां पर OH, यहां पर इस तरीके से, ठीक है। तो आपका F कंपाउंड क्या होगा बच्चों, ये होगा, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर ध्यान से समझोगे तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन से बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम एक एक करके यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, कौन कौन से, देखो देखो यहां पर Cl CH2 CO CH2 Cl, ये आपका प्रोडक्ट है। अब देखो इसके साथ आपको HCN के साथ रिएक्शन कराना है। नाउ फर्दर इसका रिएक्शन आपको KCN के साथ एक्सिस में कराना है, ठीक है। नाउ फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है। बच्चों ध्यान से समझना, CN का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चों अगला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड का एक पार्ट हो सकता है बच्चों ये भी, तो थोड़ा ध्यान से समझो इसको। देखो CN के साथ सॉल्यूशन समझते हैं बच्चों। यहां पर Cl CH2 CO CH2 Cl। अब सबसे पहले HCN आपका रिएक्ट करेगा तो ये आपका CN माइनस यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर Cl CH2 CCl O-, ठीक है। यहां पर CH2 Cl, अब यहां पर आ जाएगा OH, साइनोहाइड्रिन बनेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अगर मैंने KCN के साथ रिएक्शन कराया तो हैलाइड को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, CnCH2CO CH2 CN CN। अब नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर आप जानते हो CN ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप, तो ये आपका COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। काफी इजी रिएक्शन है बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। ये BrCH2COOET के साथ रिएक्शन कराना है, किसका बच्चों, ZN के साथ। और इसकी रिएक्शन आपको फर्दर किसके साथ करानी है, इसका रिएक्शन आपको फर्दर इसके साथ करानी है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, है बाय हाइड्रोलाइसिस, तो ये आपको बताना है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को डील करने का एक तरीका है बच्चों, देखो ये आपका जेड एन को यहाँ अटैक करेंगे, ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, बी आर सी एच टू सी ओ ओ जेड एन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये आपका रिफॉर्मेस्टर की रिएक्शन है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से टूट के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, देखो सी एच टू यहाँ पर आपका सी ओ जेड एन बी आर और यहाँ पर ओ ई टी। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं इसके साथ कराऊंगा तो आप लोग जानते हो रिफॉर्मेस्टर की रिएक्शन मैंने किस तरीके से कराया था बच्चों, काफी इजी रिएक्शन था, यहाँ पर जेड एन बी आर और यहाँ पर आपका सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी एच टू और यहाँ पर आपका ओ ई टी। अब ये आपका यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका यहाँ पर ओ जेड एन, यहाँ पर आपका इस तरीके से ओ जेड एन बी आर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। नाउ यहाँ पर अब आपका सी एच टू सी, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड अब आपका यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ओ ई टी, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, ओ एच, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, सी एच टू सी ओ ओ ई टी। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, अगर मैं रिफॉर्मेस्टर की रिएक्शन को अगर मैं डील करूंगा तो मैं इस तरीके से डील कर सकता हूँ, काफी ईजी है। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर बच्चों इसको मैंने फर्दर हीट किया तो आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर बी आर सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी ओ एच, अगर मैंने इसकी रिएक्शन सी एच थ्री एम जी बी आर के साथ करा दिया तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन आपको एच आई के साथ कराना है, ठीक है, वन मोल एच आई के साथ कराना है, तो किस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे बच्चों। देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था बच्चों, ठीक है, आज मैं करा भी रहा हूँ बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर सी एच थ्री यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर ओ माइनस एम जी बी आर, तो यहाँ पर सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू, यहाँ पर सी सी एच थ्री, यहाँ पर ओ माइनस एम जी बी आर और यहाँ पर एच। अब ये आपका यहाँ अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक और ये आपका बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपका बाहर निकलेगा एम जी बी आर टू, ठीक है, और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ, छ मेंबर की रिंग विद हेट्रो एटम, ठीक है, सिक्स ये हो गया, तो फाइव के पास एक सी एच थ्री है बच्चों, इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन जब मैं एच आई के साथ कराऊंगा तो एच आई पहले अटैक यहाँ मारेगा, तो यहाँ पर एच ओ यहाँ पर इस तरीके से बनेगा बच्चों सी एच थ्री यहाँ पर प्लस। अब आई आपका एस एन टू रिएक्शन देगा आई के साथ आई माइनस, तो क्या होगा बच्चों, कहाँ से खुलेगा, अगर यहाँ से खुला तो यहाँ पर टू डिग्री, यहाँ से खुलेगा तो यहाँ पर वन डिग्री, तो आई माइनस अब यहाँ अटैक करेगा लेस क्राउडेड सिस्टम पे अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, लेस क्राउडेड सिस्टम पे। तो यहाँ पर जब आपका आई अटैक करेगा तो यहाँ पर आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बना लेगा बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। हर एक क्वेश्चन काफी इजी है बच्चों, अगर आप एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको आई होप कि 100% समझ में आ जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते बच्चों, अब हम ध्यान से एक और क्वेश्चन देख लेते बच्चों, ताकि आपको और भी अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर हो जाए, ठीक है, कंसेप्ट आपके और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते बच्चों, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ पर मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन ले लिया, देखो यहाँ पर मैंने सी एन और यहाँ पर मैंने ओ सी एच थ्री, ठीक है, इसका मैंने सी एच थ्री एम जी बी आर के साथ रिएक्शन करा दिया और यहाँ पर मैंने हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों वन इक्वलेंट के साथ कराते हैं, वन इक्वलेंट के साथ कराना है, तो यहाँ पर अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अगर मैं इसका सॉल्यूशन को ध्यान से समझूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपका ओ सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन,
सी ट्रिपल बॉन्ड एंड की रिएक्शन जब भी मैं सी एच थ्री एम जी बी आर के साथ कराऊंगा तो सी एन कंपाउंड आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कीटोन के अंदर। ये तो मैंने आपको बताया था ओ सी एच थ्री। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में H3O+ के प्रेजेंस में ये भी आपका हाइड्रोलाइसिस होता है, मैंने बताया था ईथर का हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर HOH के प्रेजेंस में अगर यहाँ पर H जाएगा, यहाँ पर आपको कौन जाएगा, H जाएगा। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पर OH+CH3, ठीक है, H3O+ में से H+ चला गया और यहाँ पर H2O रह गया। अब देखो, अब बात को ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ना आपका ज्यादा बेटर रहेगा कि ये वाला बॉन्ड, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर फिनाइल आपका अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपका कुछ अनस्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा तो आपके कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, दो प्रोडक्ट, ठीक है, दो प्रोडक्ट बनेंगे आपका। यहाँ पर आपका आ जाएगा OH, यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3OH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है। काफी इजी रिएक्शन है, काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अब हम ध्यान से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, काफी इजी इजी क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब देखो ये आपका इस तरीके से है, ठीक है, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है इसके साथ, ये डबल बॉन्ड, यहां पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, इसकी रिएक्शन OH माइनस मीडियम के साथ, इसके साथ कराना है रिएक्शन, ठीक है। नाउ अब ए प्रोडक्ट बनेगा, अब ए प्रोडक्ट का आपको क्या कराना है बच्चों, यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराना है, तो आपका क्या बनेगा वो आपको निकालना है बच्चों। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या बनेगा वो आपको निकालना है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बच्चों। मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन का केस, तो यहाँ पर वही कंडीशन है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन का ट्रैपिंग होगा, कहाँ से होगा बच्चों, इस पोजिशन से एसिडिक हाइड्रोजन आपका निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बना लेगा बच्चों, आपका इनोलेट आयन। अब यहाँ पर इनोलेट आयन बच्चों अटैक करता है, लेकिन मैं माइनस को अटैक करा रहा हूं तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुला होगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज, और यहाँ पर ये इस तरीके से अटैच हुआ होगा बच्चों आपका, ठीक है। अब H2O से H+ लेके ये आपका क्या बना लेगा बच्चों, जल्दी से, ये आपका इस तरीके से कंपाउंड बना लेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कंपाउंड बनाएगा। नाउ फर्दर अगर मैं इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आपका यहां पर OH और यहां पर आपका क्या बन जाएगा OH, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ सकता है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो अब हम चलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।